हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे पाकिस्तान का T20 लीग यानी PSL चल रहा है, जो कि टूर्नामेंट अपना आधा सफर भी कंप्लीट कर चुका है। यहाँ से कुछ टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब है, तो कुछ टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है। इस वक्त इस लीग में टोटल 6 टीम आपस में खेल रही है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 22वें मैच की, जो कि खेला जाएगा क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के बीच में। यह मैच आपको 6 मार्च को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी आपको 58% देख सकते हैं, टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात कर देंगे विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 58% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 42% जीतने का चांस है। अब बात कर देंगे अब स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर 208 है, तो ही सेकंड इनिंग का स्कोर 190 है। वहीं आगे बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 5 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे क्वेटा के लेटेस्ट 3 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे कराची किंग्स 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे वीरू भाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उनका टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर बात करते हैं पहली टीम यानी कराची किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम का टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अब तक लो चल रहा है। टीम अब तक 6 मैच खेल कर जिसमें से 2 मैच जीत के आ रही है और 4 हार के साथ पॉइंट टेबल नंबर 5 पे स्टेबल है। अब यहां से टीम के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि शान मसूद है, टॉप ऑर्डर में जहाँ पे शान मसूद एंड टीम के साइफर्ट खेल रहे हैं, जेम्स विज जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहा है। टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जिसमें आपको सोहेब मलिक है, मोहम्मद नवाज है। मलिक ने 6 मैच में 177 रन बनाए। वहीं फिनिशिंग के लिए जहां पर केएन पुलार ने इरफान खान है, पुलार ने 5 मैच में 196 रन बनाए, टीम का लीडिंग रनर स्कोरर भी है। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें तो जहां पर अनवर अली है, जो कि ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। हसन अली ने 9 विकेट लेकर टॉप पे स्टेबल है, जहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी एंड जाहिद महमूद आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में जहाँ पे मोहम्मद नवाज है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे शान मसून जो कि कप्तान है, जेम्स विस है, टीम साइफर्ट है, किरण पोलार्ड है, सोहेब मलिक है, मोहम्मद नवाज है, इरफान खान है, हसन अली है, अनवर अली है, जाहिद महमूद और ब्लेसिंग मुजरमानी है। और कुछ की प्लेयर की बात करें तो किरण पोलार्ड है, सोहेब मलिक है, हसन अली है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी क्वेटा के लिए डिटेल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर टीम ने पहले 3 मैच में जीत कर टूर्नामेंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया और एक अच्छा स्टार्ट भी किया। टीम अब तक अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, हर एक मैच में 4 जीत और 1 हार के साथ टीम पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम का लास्ट गेम है जहाँ पर रेन के चलते कैंसिल हो गया था, यहाँ पे साउथ अफ्रीका का बैटर रेली रोसो जो टीम के कैप्टन है, टीम की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। जहाँ पे ओपनिंग में बात करें तो जेसन रॉय है, 100 स्किल की जोड़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पे जेसन रॉय ने 5 मैच में 200 रन बना कर टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है, जहाँ पे 100 स्किल ने 32 के एवरेज से 164 रन बनाया। नंबर 3 पर जहाँ पे ख्वाजा नफ्स जो कि फ्लॉप चल रहे हैं, नंबर 4 पे कप्तान जो कि रोसो खेल रहे हैं, दो ऑर्डर में जहाँ पे सरफेंदर फोन ने लास्ट गेम में 58 रन बनाया था। वहीं फॉर्म में पाकिस्तान के कप्तान जहाँ पे सरफराज अहमद जो टीम के विकेट कीपर है। वहीं बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जहाँ पे मोहम्मद आमिर जो कि लास्ट गेम में बाहर थे, जहाँ पे सोहेल खान, मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि लगातार विकेट भी चटका रहे। वेस्ट इंडीज के जहाँ पे अकील हुसैन एंड अबरार अमन स्पिन डिपार्टमेंट में, अबरार ने 10 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर हुई है। अब बात कर देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे जेसन रॉय है, शॉर्ट सकील है, रिली रोसो है, ख्वाजा नफ्स है, सरफेंदर फोर्ट है, मोहम्मद वसीम है, सरफराज अहमद है, अकील हुसैन है, मोहम्मद हसनैन है, अबरार अहमद है और मोहम्मद आमिर है। कुछ की प्लेयर की बात करें तो जेसन रॉय है, शॉर्ट सकील है, अबरार अहमद है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हुए विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग में आज का मैच विनर क्वेटा के लिए डेटेस होगा, क्योंकि क्वेटा के लिए डेटेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को लग रही है, हर एक मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। यहाँ पे कराची किंग्स को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।